पाकिस्तान के लोगों के तो हम लोगों को दिल से वेलकम करते हैं कि वो लोग आ जाए और हमारे कल्चर को देखें। जैसे ही हम चित्राल से कैलाश की तरफ निकले तो तमाम दोस्त काफी एक्साइटेड थे। सड़क पर पत्थर थे, लेकिन वो हमारे अजम के रास्ते में रिकावट ना बन सके। इस वादी को देखने के लिए हमने 16 घंटे का थका देने वाला सफर किया था, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते गए थकावट उतरती गई। मकामी गाइड हमारा मुंतजर था, जिसने हमें ये गांव दिखाना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये सफर पसंद आएगा और कैलाश वैली भी पसंद आएगी। वादी कैलाश जाने से पहले जब आप चित्राल से निकलते हैं तो जो पहला आप लोगों का स्टे और कैम्प होता है वो एवन, एक मकाम है वादी एवन। कुछ इसको एवान बोलते हैं, कुछ एवन बोलते हैं। ये पहला क्याम है, यहाँ पर आपको गाड़ी रोकना होती है और आगे वादी कैलाश जाने के लिए जीप लेनी है। बाज़ लोग अपनी गाड़ियों पर जाते हैं, रास्ता कच्चा है, थोड़ा सा दुश्वार गुजार है। बेहतर यही होता है कि एवन आके अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग करो, यहाँ से जीप या दूसरी गाड़ियाँ लेकर वादी कैलाश निकलना होता है। जब आप एवन से ऊपर आते हैं तो आगे बम्बोरेत है आपके बाएँ तरफ और रंबोर आता है आपके दाएं तरफ। ये दोनों कैलाश वैली का ही ये सारा एरिया है, मगर इलाका चेंज हो जाता है। आपके दाएं साइड पे रंबोर आता है और बाएं तरफ बम्बोरेत जगह है। एवन वैली से जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कैलाश वैली की तरफ तो रास्ते में एक खूबसूरत आप देख सकते हैं आबशार है और इंतहाई सफ़ेद रंग का उसका पानी है। जब मकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका हमने ये फ़ायदा लिया है, यहाँ एक छोटा सा पावर प्लांट भी बनाया हुआ है और ये अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं दिलचस्प और मालूमती वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं बम्बोरेत में, जिसे दुनिया वादी कैलाश और काफ्रिस्तान के नाम से याद करती है। यहां के लोगों की बहुत सारी चीज़ें इनकी रवायत से जुड़ी आ रही हैं, इनका ट्रेडिशनल, इनका रवायती लिबास, इनका रहन सहन, इनका उठना बैठना, इनकी इबादत, इनका मरना जीना, ये सारा इनकी एक रवायत से तसलसल से चलता आ रहा है। जो दुनिया इनको देखती है, दूर दराज से सयाह यहाँ आते हैं, इनको देखते हैं। दोस्त, मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो वाहद ज़रिया रोज़गार है वो दूर दराज के इलाकों से आने वाले सयाह हैं, जो यहाँ पर आने वाले लोगों को तस्वीर बनाने के भी पैसे देते हैं। जैसे ही सयाह यहाँ पहुँचते हैं, बच्चों का एक जमे गफीर आपके सामने आ जाता है और उनकी डिमांड होती है कि हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। दूसरा इनका रोज़गार का ज़रिया यहाँ पर खेती बाड़ी है। इनको लोगों का इन्होंने रहन सहन अपना, ये गंदम है, ज्वार है, ये इनका दूसरा रहन सहन का या रोज़गार का तरीका है। कैलाश के जो लोग हैं
इनका एक मेन जो जरिया है रोज़गार है और इनकी जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो दूसरे लोग यहाँ से जो लेने आते हैं वो यहाँ के हाथ की कढ़ाई की जो और सिलाई कढ़ाई करने वाली इनकी कैप्स हैं, लिबास हैं, शाल्स हैं और हैंड बैग हैं, ये सारी चीज़ें इनकी हैंडमेड हैं। और मेन चीज़ है कि जितने भी यहाँ पे सारे काम हैं वो कैलाशी ख़वातीन खुद अपने हाथों से करती हैं। खेती बाड़ी भी कैलाशी ख़वातीन खुद करती हैं और जो इनकी कढ़ाई का काम है वो भी खुद करती हैं, खाना पकाना भी सारा काम, और जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी टाइम स्पेंड करना, ये सारा काम यहाँ की ख़वातीन का है। शिपाता, मेरा नाम गुलिमा है और मेरे ताल्लुक बम्बुरेत से है। बम्बुरेत जो है पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार होता है। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे कैलाश लोग रहते हैं जिनका कल्चर दुनिया में यूनिक है, तो दुनिया भर से लोग यहाँ पे इस कल्चर को देखने आ जाते हैं। तो हम लोगों को दिल से वेलकम करते हैं कि वो लोग आ जाए और हमारे कल्चर को देखें और इस कल्चर के बारे में लोगों से पूछें, उनसे सवालात करें और इस कल्चर को यहाँ से जान पहचान कर फिर यहाँ से चले जाएं। तो हम कह रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं पहले यहाँ के लोगों से मिलें, उनके बारे में जानें, उनसे दोस्ती करें और उनके साथ रिलेशनशिप रखें और फिर यहाँ से चले जाएं। और जो लोग यहाँ आते हैं हम उनको दिल से वेलकम करते हैं। नाज़रीन, मैं एक इंतहाई मुनफरद चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कैलाश वैली का कब्रिस्तान। ये कैलाश वैली के जो लोग फौत होते हैं उनको ताबूत में बंद करके यूं ही ज़मीन के ऊपर रख दिया जाता है। और ये ताबूत आपको जो नज़र आ रहे हैं ये इन कैलाश वैली के लोगों के हैं। अब कुछ तो बहुत पुराने हो चुके हैं और कुछ आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जैसे अभी कुछ अर्सा पहले के ये ताबूत रखे गए हैं। और इन ताबूत को ज़मीन के ऊपर रखा जाता है, ये ज़मीन में तदफीन नहीं होती। ये कैलाश वैली के लोगों का कब्रिस्तान है और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ इससे पहले नहीं देखी होगी। जब आप के लोग फौत होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? फिर फौत होते हैं तो हमारा बहुत खर्चा पड़ेगा, 4-5 लाख रुपया पड़ेगा। वो बकरा भी ज़बह करेगा, वो खाना माना वो ये सारे दो दिन वो कैलाश लोगों का वो ऐसे रिवायात है। वो कुछ ही ऐसे होता है कि वो ढोल बजा कर वो अल्लाह के हवाला करता है। ये कैलाश वैली का बातरीक गांव है। बातरीक गांव में यहाँ पे जो हो इनके ट्रेडिशनल हाउस हैं, जो इनका इबादत खाना है, इनका एक मेटर्निटी होम है जहाँ पे बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन को रखा जाता है और जो ख़वातीन महबारी में हों वो भी यहाँ पे गुजारती हैं आके अपना वक्त। इनका डांसिंग प्लेस है, हम अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाने लगे हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है, ये पानी आ रहा है। लकड़ी का दरख्त इस तरह बनाया है कि ये पूरा पाइप नुमा बन चुका है। नाज़रीन, कैलाश के लोगों के बारे में आम तौर पर नहीं जानते कि ये किस तरह की इबादत करते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, ये कैलाश के लोगों का इबादत खाना है, यहाँ पे इबादत करते हैं। हमारे पास एक कैलाशी आदमी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अकबर खान साहब, ये बताते हैं कि ये आपका जो इबादत खाना है क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे आया, क्या कुछ बताएं हमें इस बारे में। बस हमारा कैलाश लोग इधर आया है तो इधर ऐसे इबादत करता है कि वो ये जब फेस्टिवल होता है ना वो उस वक़्त इधर जमा होकर बकरा ज़बह करेगा। वो जब ये मुसलमान का कुर्बानी नहीं होता है वो इसलिए हमारा दिसंबर में इधर वो बकरा ज़बह करेगा तो इधर आएगा। तो चीज़ भी वो ये इंग्लिश कहते हैं चीज़, वो चीज़ भी इधर लेता है। ये पनीर जो है ना वो भी इधर लेकर वो हमारा सारे लोग इधर जमा खातर जमा होकर तो फिर वो खाएगा, वो इधर वो इबादत करता है। ये इनकी फेस्टिवल की जगह है जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी इबादत भी करते हैं, जहाँ इनका नाच गाना जश्न और सारी चीज़ें, ये यूँ समझ लें कि एक इनका मखसूस जगह है। पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, मर्द इकट्ठे होते हैं, ढोल बजाते हैं।
ये दाएं बाएं सीढ़ियाँ बनी हैं, यूँ समझ लें जैसे कोई स्टेडियम का समा होता है ना। ये कैलाश वैली के लोगों का एक अपना हुसन है। ये हमारा ख्वातीन का जगह है, वो ख़ास जगह है। वो जब बच्चा पैदा होती है ना, इधर आकर बच्चा पैदा होती है। तो कितने दिन रखते हैं इधर? तो इधर 10 दिन इधर गुजार किया, वो 10 दिन के बाद वो घर जाना पड़ेगा। तो 10 दिन रोटी वगैरह घर से देना पड़ता है? हाँ, घर से लेना पड़ेगा रोटी मोटी। और दूसरी ख़वातीन कौन सी इधर आती है? दूसरे ख़वातीन वो महीना से एक दफ़ा या दो दफ़ा इधर आएगा। हाँ, कितने दिन रहते हैं इधर? इधर 4-5 दिन रहता है वो। इधर रहना होता है? हाँ, इधर रहना है। फिर वापस घर जाना होता है? वापस घर जाना है। इस जगह कोई जगह ये हम कैलाश वैली की एक मशहूर जगह पे हैं, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का ये बच्चे काम तैयार करते हैं अपने हाथ से। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ें इन बच्चों ने तैयार की हुई हैं, आप देख सकते हैं। हम इन बच्चों से आपको मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। बच्चे, क्या नाम आपका? अनाया। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आपने अपने जैसा काम किया। आपका क्या नाम है? रायका। आपने बहुत खूबसूरत काम किया, पूरी दुनिया आपके इस काम को देखेगी और आपकी तारीफ होगी। ये लोग आप कैसे तैयार कर लेते हैं ये सारी चीजें? ये हाथों से तैयार करते हैं। ये चीज हाथ से तैयार करते हैं जी। कितना टाइम लग जाता है इसको तैयार करने में? चार पांच दिन लगते हैं। 4-5 दिन एक चीज को लगते तैयार करते हुए। और फिर ये जो लोग बाहर से आते हैं वो खरीदते हैं जी, खरीदते हैं। और पूरी दुनिया में आपकी ये चीजें जाती हैं जी, जाती है। और आप क्या दुनिया के लोगों को क्या कहोगे कि वो यहाँ आए देखें आप लोगों का ये सीन? हम दुनिया के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर हमारी ये चीजें देखें और खरीद कर लेकर जाए, हम उसके से बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कितनी खूबसूरत बच्चे ने बात की है कि पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है कि आप कैलाश वैली आए, यहाँ के लोगों को देखें, मिलें। और यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट उन्होंने अपने हाथ से चीजें तैयार की हुई है, आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत उन्होंने जो चीजें तैयार की हुई है। ये सारी चीजें इन्होंने हाथ से तैयार की है और ये ट्रेडिशनल चीजें इनकी रवायती चीजें हैं। हैंड बैग आप देख सकते हैं और शॉल्स हैं, इनके कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें इन बच्चों ने खुद तैयार की हैं। और आप देख सकते हैं ये बच्चों का खसूसी कमाल है और बच्चों का खसूसी फ़न है। बच्चों, आप पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई खसूसी पैगाम? पाकिस्तान के लोगों के इनको उर्दू बहुत कम आती है, आप अपनी जबान में बोल लें। पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो हमारे पाकिस्तान में आके अपने हमारे गांव को देखे और जितना भी वो देखना चाहे वो देख कर चाहे जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। बच्चों ने एक मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया है, मैसेज दिया है कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट आए। ये कुछ बच्चे और भी सामने आए हैं, मगर ये बच्चे थोड़े से शर्मा रहे हैं। बच्चों, आ जाओ मेरा बेटा सामने। और मेरे बच्चे हैं सारे, शाबाश। आज बच्चा मेरा, ये देखो ना, ये कितने खूबसूरत ये बच्चे हैं। आप देखें, ऐसे खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, इनके दिल खूबसूरत है। ये बच्चे आपको दुनिया में कहीं इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। यकीन जाने अल्लाह ताला ने खूबसूरती को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, वो है कैलाश वैली। और ये कैलाश वैली का ये बच्चे एक नमूना है और खूबसूरत हैं। ये देखें बच्चे कितनी खुशी से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैलाश वैली जिंदाबाद। इस वक्त मैं कैलाश वैली के एक घर में मौजूद हूं और आपको मैं उन लोगों का तर्ज ज़िंदगी दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखें, ये उन्होंने पत्थर के साथ दीवारें बनाई हैं और हम आपको घर के अंदरूनी मंजर दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको कैलाश वैली के जो लोग हैं उनका मेहमान खाना दिखा रहा हूँ। मेहमान खाने में रवायती चीज़ें सारी मौजूद हैं, मेहमानों के ठहरने के लिए ये जगह बनाई गई है। ये कैलाश वैली के लोगों के घर के अंदरूनी मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। छत इनकी लकड़ी की है और खूबसूरत इनका लाइफस्टाइल है, नेचुरल तरीके से ये सारी चीज़ें आप देखें। ये इनका मेहमान खाना था जी, और ये बाहर को जाने का ये रास्ता, ये भी मेहमान खाना है। मेहमान खाना आप देख सकते हैं, ये इनकी जो रवायती चीज़ें हैं। ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं,
हर आने वाले को अपनी आंखों पे बिठा लेते हैं और दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। ये इनका रिहायशी अपना कमरा है। ये एक कैलाशी जोड़ा है, मियां बीवी हैं। ये हमारे दोस्त हैं अकबर खान और ये उनका बीवी है। और माशाल्लाह क्या ट्रेडिशनल रवायती उन्होंने अपना ड्रेस पहना हुआ है। और अकबर खान तो इस वक्त बादशाह लग रहा है और हमारी बहन मलका लग रही है। इस वक्त दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत तावन करने वाले हैं, दिल के बहुत साफ लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।